दुनिया के हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सालों की मेहनत, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डिप्रेशन और अकेलापन है। उसी तरह दुनिया के हर नाकामयाबी के पीछे बस बहाना है कि ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, वगैरह वगैरह। अरे बस कर यार, थक जाएगा एक दिन झूठ बोलते बोलते। अभी शांति से एक जगह बैठ कर खुद से एक बार पूछ तो जरा कि जो तुझे बनना है क्या उसके लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतना तू कर रहा है? आंसर है नहीं भाई, तू नहीं कर रहा है। अरे दुनिया का इतिहास उठाकर देख लेना, इतिहास छोड़ तू गूगल पे सर्च ही कर लेना भाई कि दुनिया के 100 मिलियनियर्स में से 95 to 97 तुझे वो मिलेंगे जिनके बाप दादा मल्टी मिलियनियर नहीं थे। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बहाना है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मुझे इससे बड़ा बकवास किसी के मुंह से और कुछ नहीं लगता। अरे भूल गया, जब बचपन में किसी खिलौने की जिद करता था और घर वाले नहीं दिलाते थे तो कैसे जिद करके बैठ जाता था कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो अब कहां गया वो जिद्दीपन? और कौन कह रहा है तुझे परमिशन लेने की जिसके पीछे तुझे परमिशन नहीं मिल रही है? जरा सोच के तो देख यार कि जब तू कुछ बड़ा कर लेगा और अपना रिजल्ट अपने पेरेंट्स को दिखाएगा तो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी, क्या वो खुशी किसी पैसे से खरीदी जा सकती है? जब साला कोई कांड करने से पहले घर वालों से नहीं पूछते हो तो अचानक से ये संस्कार कहां से आ जाता है कि अपनी लाइफ का हर फैसला, अपना गोल, अपना ड्रीम घर वालों रिश्तेदारों के नाम पर बदल देंगे? भाई लाइफ तेरी है तो इसे पूरी जिंदगी तुझे ही जीनी है। आज जो तू डिसाइड करेगा वो तुम्हारा पूरा कैरियर होगा, तो जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। थोड़े दिन घर वाले नाराज होंगे लेकिन ये सिर्फ थोड़े दिन ही होगा, लेकिन एक बार जब तू कुछ बन जाएगा ना तो घर वाले भी मान जाते हैं। भाई माँ बाप भी गलत नहीं है, उन्होंने अपनी दुनिया देखी है जब लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। और आज दुनिया अलग है, आज लोगों के पास वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। और इंडियन पेरेंट्स की एक मेंटालिटी है कि हमारा बच्चा सक्सेस ले ना ले लेकिन वो फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए भाई अभी समझाने से अच्छा है कि चुपचाप अपने पैशन के लिए भिड़ जा। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तो खुद को प्रूफ कर चुका होगा। गुस्सा तो पान सिंह धोनी जी भी हुए थे एमएस धोनी से टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़ने पर, लेकिन जब उनके बेटे ने पूरे दुनिया में इंडिया का नाम लहरा दिया तब कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कितने बच्चों को देखा है जो अपनी 11th का स्ट्रीम भी माँ बाप से पूछ कर लेते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़े क्यों रहे हैं। हालांकि तुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है वो तुझे पता है, तेरे पेरेंट्स को नहीं। इसलिए रोना बंद कर भाई, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तेरे बहाने में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, और ऐसी मोटिवेशनल दासू वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।